पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तुम फिर मेरा पीछा कर रहे हो? पीछा तुम कर रही हो रिश्तेदारों का। फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, डोंट डू इट, नॉट वर्थ इट, जस्ट चिल। तुमसे मांगी मैंने फ्री एडवाइस? आई शुड इन पब्लिक इंटरेस्ट, समझ के ले लो, आगे काम आएगा। इससे एडवाइस ले लो तो बात बनेगी नहीं और बिगड़ जाएगी। बड़े दादू, बेटा अब तो तुम्हारा दादू भी कुछ नहीं कर सकता। पर बड़े दादू, मैं पापा को माफी दिलाए बिना यहां से नहीं जा सकती। तुम जो कर सकती थी तुमने किया, अब और क्या कर सकती हो? केस हिस्ट्री। मतलब? मैं डॉक्टर हूं बड़े दादू। कोई भी बीमारी ठीक करने से पहले उसके जड़ तक जाना पड़ता है, पूरी केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है। दादू, मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। 24 साल पहले ऐसा क्या हुआ था बड़े दादू, जिसने इस परिवार की खुशियां बिखेर के रख दी? मनीषा बुआ की शादी क्यों टूटी थी? ऐसी क्या विशेष चर्चा चल रही थी जिसे हमारे आते ही विराम देना पड़ गया? खैर, अपनी बात छोड़ो और हमारी बात ध्यान से सुनो। आप कोई कुछ नहीं कर सकता, इस बात को गांठ बांध लो कि कल तुम्हें और बाकी सब लोगों को यहां से जाना होगा। कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी। जानकी, हम सभा समाप्त। माफी तो तुझे मिल ही नहीं थी, मैंने पहले दिन ही कह दिया था। 24 साल बाद वापस आने की हिम्मत जुटा पाया हूं पापा। फिर हिम्मत हो ना हो, पर अब जो आया हूं बिना माफी लिए तो नहीं जाऊंगा। यहाँ पे कोई नहीं आएगा बड़े दादू। अब आप मुझे सब कुछ बताइए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, मनीषा बुआ की शादी क्यों टूटी थी, सब कुछ। मनीषा की शादी एक अच्छे बड़े घर में तय हुई थी। लड़के वाले जब घर में मिलने के लिए आए तो उनकी नजर मन्नू पर पड़ी। तब तक मन्नू डॉक्टर बन गया था और उसे एक अच्छे अस्पताल में नौकरी भी मिल गई थी। जब उन्हें ये सब पता लगा तो उन्होंने शादी के लिए एक शर्त रखी, एक हाथ लो एक हाथ दो।
मतलब? मतलब ये कि वो मन्नू की शादी अपनी बेटी से करवाना चाहते थे ताकि उनकी बेटी हमारे घर बहू बन के आए और मनीषा उनके घर बहू बन कर जाए। तो हमें भी लगा चलो अच्छा है, दोनों परिवारों का ताल्लुक डबल पक्का हो जाएगा, तो हमने भी मन्नू की शादी उनकी बेटी के साथ तय कर दी। वो लड़की, वो घर, वो परिवार बहुत बढ़िया था, पर मन्नू किसी और से प्यार करता था, अजंता से। शादी से एक रात पहले बिना ये सोचे कि अगर वो चला गया तो मनीषा के रिश्ते का क्या होगा, और वो अजंता के साथ भाग गया। रुक जा मनोज, मत जा मनोज, रुक जा। मत जा बेटा मनोज, मत जा। उस समय तो हमें मनोज और अजंता के इस कर्म कांड के बारे में कोई भनक तक नहीं थी। जिसे प्यार किया उससे शादी की, बस ये कोई गुनाह है क्या पापा? गुनाह ये है कि तूने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, परिवार की खुशी नहीं देखी। हाँ देखी, मन्नू के जाने की चोट से हमारा परिवार चटक कर गिरे पत्थरों की तरह बिखर गया। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। मन्नू बंबई चला गया। बिज्जू को बहुत गुस्सा आया मन्नू पर। अरे जिस मन्नू को डॉक्टर बनाने के लिए उसने इतनी कुर्बानियां दी उसने ये किया। बस मन्नू के इस बर्ताव के बाद बिज्जू ने तय कर लिया कि वो मनोज से ज्यादा बड़ा आदमी बनेगा। इस जिद ने उसे कुछ और सोचने ही नहीं दिया। बस उसके बाद वो घर छोड़कर चला गया बड़ा बनने के लिए। जानकी ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, पर वो नहीं रुका। विजो, विजो तू मनोज जैसी गलती मत दोहरा। रुक जा, तू कर क्या? तर्वी, तू चुप क्यों खड़ी है? तू रोक, समझा इसे। मैं समझाना मुझे नहीं, आपको अपने लाडले बेटे मन्नू को चाहिए था, लेकिन वो तो आपकी आंखों में धूल झोंक के चला गया ना। अब मैं भी जाऊंगा, मुझे भी अपनी काबिलियत दिखानी है। कहीं बाहर जाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। हाँ, बड़ा तो तू हो गया है ना, इसलिए तुझे ये घर छोटा पड़ रहा है। विजू बेटा एक बार सोच ले, जल्दबाजी में लिए फैसले हमेशा सही नहीं होते बेटा, सोच ले। बिजू चलो राहुल को लौट, चलो यहाँ से। बिजू यहीं रहते हैं प्लीज। ठीक है, तुम्हें अगर यहीं रहना है तो रहो, मैं हमारे बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। बिजू, बिजू तू जा रहा है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुन, ये घर कोई मुसाफिर खाना नहीं है कि जब जी चाह चले गए और जब जी चाह आ गए। अगर तू एक बार चला गया ना तो घर की ये चौखट ना दीवार की तरह लंबी हो जाएगी, फिर तू लांग कर वापस नहीं आ पाएगा, समझा तू? चलो तन्वी। एक बार सारी दीदी से मिल लूं। नहीं, जिन्हें मेल मिलाप रखना होता है वो इस तरह घर छोड़कर नहीं जाते, ना ही तो स्वरा से मिलेगी ना ही इस घर में किसी और से। मन्नू हमेशा से ही सबका फेवरेट था, हमें सस्ते स्कूल में पढ़ाया ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी ना है। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था तन्वी, लेकिन जानती हो सबकी उम्मीदें सारा सपोर्ट सिर्फ मन्नू के लिए था। मैंने भी सोचा कि वो डॉक्टर बने या मैं, एक ही बात है, सबकी लाइफ सुधर जाएगी। लेकिन मन्नू ने, उसने डॉक्टर बनते ही सबको धोखा दे दिया, उसने बात ही अलग कर दी, छोड़ के चला गया हम सबको। जब मन्नू अपने बारे में सोच सकता है तो मैं खुद के बारे में नहीं सोच सकता।
मैंने क्या गलत किया था? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।